हम एक दूसरे के करीब नहीं है इस बीमारी की वजह से, लेकिन थ्रू वीडियो कॉल जो है हम इस आपने की मेरे ख्याल में सोच और आप लोगों की जद्दोजहद ने जो एपीसी को कामयाब बनाया, मैं आप दोनों दोनों की बातों को जो इंडोर्स करते हुए इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि इस बीमारी को जो हमने तीन मरलों में देखना होगा जी। एक जो होगा इसकी डायग्नोस, प्रिवेंशन और इलाज। इलाज जो है इसका लास्ट स्टेज आता है, पहले आता है इससे हमें अपने आप को, लोगों को, आवाम को, अपने प्यारों को या जो हमारे लोग हैं उनको कैसे बचाना है। और दूसरा जब स्टेज आएगा जी इसके डायग्नोस का, हमने अगर इनको बचाया आया उनमें से वाकई कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, तो लास्ट स्टेज आता है वो है आपका इसका इलाज का, ट्रीटमेंट का, जो मेरे ख्याल में सबसे लास्ट है और बहुत ही इस वक्त मुश्किल है। हम अगर चाइना की मिसाल देखें, हमारी और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज में जो जमीन आसमान का फर्क है, हम अपने आप को कंपेयर अगर इटली से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। वो अभी तक उसके ट्रीटमेंट के उस मरहले तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो अभी तक उसके बचाव के मराइल से गुजर रहे हैं कि किस तरह जो लोग हैं उनको इस वबा से बचाएं। तो अगर इसको इस तरह हम आगे ले जाएं तो मेरे ख्याल में इसका तोड़ भी हम ला सकते हैं और इसका इंशाल्लाह अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की विल हुई, आवाम को हमने साथ मिलाया, और जाहिर है जब पॉलिटिकल पार्टियों की विल होगी, आवाम साथ होगी, तो हुकूमत को भी मजबूरन हमारे साथ आना पड़ेगा, नहीं आई तो वो अकेले ही रह जाएंगी। हम बिल्कुल इसमें आपके साथ हैं, हमने पहले भी कहा था चाहे हुकूमत का या चाहे अपोजिशन का जो भी मुस्बत इकदाम होगा हम उनके साथ रहेंगे जिस हद तक भी जा सके, क्योंकि ये बीमारी ना सूबा देखती है, ना ये जात देखती है, ना ही रंग, ना नस्ल, ना ही मजहब।